वाला लाइट निकल के लाया है। जी जी ओ थैंक यू सर सो मच। ये जरूरी भी है। आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि ना केवल हमारे समुदाय परिवार दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। एंटी ड्रग कैंपेनिंग थ्रू स्पोर्ट्स के जरिए तमाम युवाओं को और तमाम बच्चों को ये एक अवेयरनेस दी जा रही है कि हमें ड्रग से कैसे बचना है, यानी नशा मुक्त भारत कैसे बनाना है, और हमें सबसे पहले ये शुरुआत अपने भीतर से करनी होगी। इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या अन्य कोई भी संस्थाएं हो, वो सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और इसी कड़ी में आज एक नारी निकेतन में एक इवेंट करवाया गया जो कि स्पोर्ट्स इवेंट था, जिसमें जो यहाँ की बच्चियाँ हैं उनके लिए बैडमिंटन का एक कंपटीशन करवाया गया। उस कंपटीशन में बच्चियों ने काफ़ी उत्साह दिखाया और बैडमिंटन में जो प्रतिभागी थी और उन्हें सम्मानित किया गया पुरस्कारों के साथ। तो ये एक संभव प्रयास था जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आप नशा मुक्त भारत बना सकते हैं। ये एक संकल्प यानी एक प्लज जो है वो ली गई, और इस तरीके के प्रयास तमाम स्कूल्स, तमाम मतलब कि हर तरह के जितने भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब करती हैं। तो हम सबको मिलकर ये प्रण लेना चाहिए कि नशा मुक्त भारत यदि बनाना है तो हमें अपने भीतर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और नशा एक बहुत ही बड़ी लत है जो कि इंसान को खोखला कर देती है, हमारी कई नस्लों को खोखला कर देती है। मैं नारी निकेतन में रहती हूँ, मेरा नाम खुशबू खान है। आज इधर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हुआ और उसमें हमने पार्टिसिपेट की, तो ये स्पोर्ट्स हमें बताता है कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। सर यहाँ पे आज प्रोग्राम था, यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह हमने खेले, हमने उसमें इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे अगर हमारी ऐसी तरह इसी तरह आगे हम अगर खेलते रहें तो हम आगे बढ़ें तो हम आगे जा सकते हैं सर। तो मेरा नाम आपदा कोसरा है, मैं नारी निकेतन में रहती हूँ। आज यहाँ हमने बैडमिंटन का कंपटीशन था, इसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत अच्छा लगा। फाइनल हमने मैच जीता, बहुत अच्छा लगा। हमें खेला, हमें और प्राइज भी मिला। और मैं सबको कहती हूँ कि नशे से दूर रहें। आज यहाँ पे एक्चुअली एंटी ड्रग कैंपेन थ्रू स्पोर्ट्स रखा गया, कैंप रखा गया। इसमें बच्चियों को जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी की गई, जिसमें बैडमिंटन का एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें बच्चियों का जो विनर थे उसमें प्राइज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इससे बच्चियों को जो है एक बढ़ावा भी मिलता है, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है, ड्रग्स के बारे में नॉलेज भी दी गई ताकि ड्रग्स से बचें, एंटी ड्रग्स का क्या होता है, ड्रग्स से कैसे बचा जाए, ड्रग्स के बारे में नॉलेज दी गई और स्पोर्ट्स के थ्रू दी गई। इससे बच्चियों को ये उत्साह मिला कि ताकि वो आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स में और एक्टिविटीज़ करें। इस तरह के अगर इवेंट्स आगे भी होते रहे तो बच्चियों को जो है बड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो हमारे वीडियो के माध्यम से भी हम यही अपील करेंगे कि आप नशे से दूरी बनाएं। यदि कोई आपको लगता है कि कोई नशे की चपेट में आ गया है तो उसकी संभव मदद करें, बल्कि उसे हरास मत करें, उसे एक प्रयास करें और उसे इस लत से जो है वो बाहर निकालें। आप जुड़े रहिए मेंडर न्यूज़ डायरी के साथ।